अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे अबाउट द फंक्शंस ऑफ लिवर। लिवर हमारी बॉडी का एक बेसिक यूनिट है जो कि बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो लिवर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है, बॉडी के अंदर क्या क्या करता है, ये सारा कुछ आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन टॉपिक की तरफ जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज ये आपकी तरफ से हमें अप्रिशिएशन होती है और हमें इससे मोटिवेशन मिलती है। तो यहाँ पे टॉपिक हमारा जो है, दैट इज़ द फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर की सबसे पहले तो आप एनाटॉमी देखें। यहाँ पे लिवर के अंदर दो लोब्स हैं, एक ये इसका राइट लोब नज़र आ रहा है जो कि बड़ा पोर्शन होता है, और दूसरा ये इसका लेफ्ट लोब है। इस दो लोब्स के दरमियान में एक यहाँ पे एक बैंडेज यानी कि एक धागे की तरह का एक फिलामेंट होता है जिसको हम फाल्सीफॉर्म लिगामेंट भी बोलते हैं। ये दोनों लोब्स के दरमियान में एक लाइन की सूरत में मौजूद होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक ग्रीन कलर का पार्ट, दैट इज इट्स गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर के अंदर बहुत सारी सिक्रीशंस प्रोड्यूस होती हैं, और गाल ब्लैडर से ये पीछे वाली साइड पे एक डक्ट है, ये जो टर्न हुई हुई है दैट इज सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट से पीछे आप देखें तो ये आपको एक डक्ट नजर आ रही है, दैट इज इट्स हेपेटिक डक्ट। हेपेटिक डक्ट वो जो स्टमक की तरफ जाएगी, और ये जो है ये बाइल डक्ट है जो कि इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैचमेंट करवाती है। तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स थे लिवर के अंदर। और अब बात आती है कि लिवर सिचुएटेड कहाँ पे होता है। तो लिवर हमारे एब्डोमिनल पोर्शन में, हमारे जो ये पोर्शन है पूरा दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, एक पार्ट चेस्ट पोर्शन होता है और एक पार्ट एब्डोमिनल पोर्शन होता है। ये हमारे एब्डोमन में हमारी राइट साइड पे मौजूद होता है, बिलो द डायाफ्राम, मतलब यहाँ एक पर्दा लगा होता है जिसको हम डायाफ्राम कहते हैं। वो ऊपर वाले पोर्शन को सेपरेट करता है, पसलियों तक का जो हमारा हिस्सा है रिब्स तक का उसको सेपरेट करता है, और नीचे राइट साइड पे मौजूद होता है लिवर। अब बात आती है इसके फंक्शंस की। तो इसका सबसे पहले और बेसिक फंक्शन है सिंथेसिस। ये सिंथेसिस करवाता है, किस किस चीज़ को सिंथेसाइज करवाता है। ये सबसे पहले तो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन को सिंथेसाइज करवाता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन सी प्रोटीन्स होती हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर होती हैं, जिसमें एल्ब्यूमिन है, प्रोथ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजिन है, जिनमें से बहुत सारी प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग का काम करती हैं, ब्लड की कंपोजिशन, ब्लड की केमिस्ट्री को बरकरार रखती हैं। इसके अलावा ये बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल क्या चीज़ है, बाइल एक फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा ये नाइट्रोजिनस वेस्ट भी प्रोड्यूस करता है, ये हम लास्ट टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके हैं। ये अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड की फॉर्म में मुख्तलिफ वेस्ट बना के किडनी को देता है ताकि वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट कर दे। ये लिपिड को भी सिंथेसाइज करता है, कोलेस्ट्रॉल को और लिपोप्रोटीन को। ये चीज़ें सिंथेसाइज होने के बाद ब्लड का हिस्सा बनती हैं और ब्लड की केमिस्ट्री के अंदर ये रोल प्ले करती हैं। इसके बाद अगर हम मजीद बात करें तो इसका एक फंक्शन स्टोरेज भी है, चीज़ों को स्टोर भी करता है। कौन कौन सी चीज़ों को स्टोर करता है, आयरन को और ग्लाइकोजन को ये स्टोर करता है। मजीद बात करें तो इसका एक काम कन्वर्जन भी है। ये क्या करता है, ये ग्लूकोज को जो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको कन्वर्ट कर लेता है ग्लाइकोजन के अंदर, और जो ग्लाइकोजन ऑलरेडी पड़ा होता है उसको ये कन्वर्ट कर लेता है जब ज़रूरत पड़ती है ग्लूकोज के अंदर। मीन इसके अंदर कन्वर्जन का प्रोसेस भी चलता है। जब बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है तो उसको ये ग्लाइकोजन की सूरत में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेता है, और जब इसके पास ग्लूकोज की बॉडी के अंदर क्वांटिटी कम होती है तो वो जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, पहले से जो पड़ा हुआ ग्लाइकोजन है, वो टूटता है और फिर से ग्लूकोज बनता है जिसको फिर सेलुलर रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया जाता है और एनर्जी बनती है। इसका काम रिसाइकलिंग भी है, ये ओल्ड रेड ब्लड सेल्स को रिसाइकल भी करता है। जो रेड ब्लड सेल्स वेस्ट हो चुके होते हैं, जिनका बॉडी में कोई फंक्शन नहीं बाकी रहा होता है, जो बॉडी के काम के नहीं होते हैं, वो रेड ब्लड सेल्स इसके अंदर आते हैं और ये उनको रिसाइकल करता है, ये उनको दोबारा से यूज़फुल बनाता है। डिटॉक्सिफिकेशन भी इसका फंक्शन है। बहुत सारी ड्रग्स, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे फूड एडिटिव्स, जब हम कुछ ड्रग्स वगैरह बॉडी के अंदर टेक इन करते हैं तो वो ड्रग्स इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट
या इन द फॉर्म ऑफ टॉक्सिन बॉडी के अंदर पड़ी रहती हैं उनको ये डिटॉक्सीफाई करता है। साथ ही साथ ये फूड एडिटिव्स को जो फूड के अंदर कॉन्डिमेंट्स वगैरह होते हैं उनको डिटॉक्सीफाई करता है, और पेस्टिसाइड्स जो हमारी वेजिटेबल्स के ऊपर होते हैं उनको भी डिटॉक्सीफाई करता है। तो बॉडी के अंदर बहुत सारे जो वाइटल मैकेनिज्म्स हैं वो लिवर परफॉर्म करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने लिवर के फंक्शंस को डिस्कस किया है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।